नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार का अहम फैसला। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर नहीं खोले जाएंगे दिल्ली में फिलहाल 6 से 8 तक के स्कूल। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस में रामलीला मंचन को भी नहीं मिली मंजूरी। नए आदेश में मंजूरी मिलने के बाद प्रदर्शनी व कार्यक्रमों के आयोजनों पर छूट देने का ऐलान। ढील मिलने से करीब 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राजधानी दिल्ली में बीते 3 सालों की तरह इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध जारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा ये फैसला दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया गया। मुख्यमंत्री की व्यापारियों से अपील, इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद 57 नए मामले आए सामने। राहत की बात, किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। 53 मरीज कोरोना से हुए ठीक, 241 मरीजों का अस्पतालों में और 11 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा इलाज, 95 मरीज होम आइसोलेशन में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आतंकियों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद हुए कई अहम खुलासे। शुरुआती जांच में आतंकियों के कई और मॉड्यूल और देश में 15 से 20 आतंकी होने की बात आई सामने। आतंकियों ने शुरुआती पूछताछ में खुलासा किया, देश में दिल्ली समेत मेट्रो शहरों में सीरियल बम धमाका करने की फिराक में थे आतंकी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली सरकार को बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना के कारण 41% कम राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 23% कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार राजधानी के 32 जोन में आवंटित शराब के ठेकों से 10,000 करोड़ की कमाई की उम्मीद कर रही है। दिल्ली सरकार का यमुना के प्रदूषण स्तर को कम करने की दिशा में एक और कदम। इसके तहत यमुना में गिरने से पहले DSIIDC के 13 मौजूदा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 100% तक बढ़ाई जाएगी। साथ ही सभी बरसाती नाले भी इस प्लांट से जोड़े जाएंगे ताकि यमुना के प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी न हो। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण होने के बाद लाल किले से फतेहपुर मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों पर्यटकों व स्थानीय लोगों के बीच बनी हुई है आकर्षण का केंद्र। लोग इसकी बदली सूरत और खूबसूरती की कर रहे हैं तारीफ। साफ सफाई और बदली सूरत से खरीदारों को मिल रही है राहत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते 12 सितंबर को नई सड़क का किया था उद्घाटन। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए पहले 5 कट ऑफ हो सकते हैं जारी। 4 कट ऑफ के बाद कॉलेजों में सीटें भर गई तब दाखिले बंद किए जा सकते हैं। वहीं सीटें खाली रहने की सूरत में ही 6-7 तक कट ऑफ निकाली जा सकती है। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर तक हो सकती है जारी। कट ऑफ में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को पहले की तरह ही मिलेंगे सिर्फ 3 दिन। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी एवं सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित। प्रीत सिंह ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 अगस्त को उनके जमानत ना देने के फैसले के खिलाफ अपील की है। जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रखा। दिल्ली के किनॉट प्लेस में एक कंपनी के कर्मचारी को चाकू मारकर स्कूटी सवार बदमाश 75 लाख रुपए लूट कर ले गए। कर्मचारी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया भर्ती। 75 लाख रुपए लूटने की वारदात सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। नई दिल्ली जिला डीसीपी दीपक यादव ने कहा, मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।